मैं आशा करता हूँ कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि कैसे एक असाइनमेंट को हम बच्चों को देंगे और कैसे उसको हम इवेलुएट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कि हम जैसे एक तो हुआ कि असाइनमेंट बच्चों को दें और उनसे इवेलुएट करें, एक दूसरा ऑप्शन है कि हम क्विज के थ्रू बच्चों को हम इवेलुएट करें। अगर आपको क्विज के थ्रू बच्चों को इवेलुएट करना है तो सिंपल है, आप यहाँ जनरल वाले सेक्शन में जाइए चैनल का, और यहाँ देखिए आपके पास एक असाइनमेंट का पार्ट है, आप असाइनमेंट पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपका क्रिएट का ऑप्शन है। तो जैसे आप क्रिएट को करेंगे, कोई कंट्रोल है किसी के पास उसको आप प्लीज इरेज कर लीजिए। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन है क्विज, तो जैसे आप क्विज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक इसमें फॉर्म होता है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं क्विज। तो मैंने फॉर्म बताया था, फॉर्म जैसे गूगल फॉर्म होता है आपका गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है जो टीम हम लोग यूज करते हैं क्विज वगैरह। तो जब भी आपको क्विज लेना हो बनाना हो तो यहाँ पर आप न्यू क्विज पे क्रिएट करिए। जैसे आप न्यू क्विज पे क्रिएट करेंगे आप लोग क्विज का एक गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है वो आपको ओपन होके आएगा। जैसे देखिए यहाँ क्विज का टाइटल देना है तो हम यहाँ दे सकते हैं क्विज का टाइटल। मान लीजिए सोच रहे मुझे हिंदी का क्विज बनाना है तो मैंने लिखा हिंदी क्विज। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि क्विज कब स्टार्ट हुआ, कितने मिनट्स का होगा, ताकि बच्चों को मालूम हो पाले ही कितने मिनट्स का होगा, क्या टाइमिंग होगी। अब जब आपको इसमें क्वेश्चन वगैरह देना है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करिए। आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहते हैं या मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप का हो तो टेस्ट पे क्लिक करिए। अगर आपको लड़का एक बच्चे से कुछ हमें रेटिंग करानी है तो रेटिंग के लिए हो गया, डेट अगर आपको समझ रही है बच्चे से इंटर कराना है तो उसके लिए है। और ऐसे ही इसमें देखिए और भी ऑप्शन है, एक होता है रैंकिंग टाइप का कुछ कराना है तो उसको भी कर सकते हैं, बच्चों से फाइल अपलोड कराना है तो उसके लिए भी है, कुछ सेक्शन क्रिएट करना तो ये भी कर सकते हैं। हम एक एक करके देखेंगे सारे कैसे काम करते हैं। तो अगर सपोज करिए मैं चॉइस पे क्लिक किया तो पहला क्वेश्चन आ गया, तो सपोज करिए कि मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ हु इज द ऑथर ऑफ गोदान, गोदान का ऑथर कौन है, और मैं यहाँ ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो सपोज करिए कि मैंने पहला ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, एक मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पे प्रेमचंद, और ऐसे ही अगर आपको और ऑप्शन ऐड करना है, मान लीजिए दो ऑप्शन हो गए, तीसरा ऑप्शन देना है तो मैंने यहाँ दिया महादेवी वर्मा, और एक और सोच लिया आपको ऑप्शन देना है आप यहाँ पे नीलानंद वात्स्यायन में सोच लिया मुझे देना है। तो यहाँ मैंने इनको क्रिएट कर लिया। अब इसमें जैसे चूंकि जो क्विज होगा वो ऑनलाइन इवेलुएशन होगा तो यहाँ हमें कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद मैं टीचर, मुझे लगता है कि ऑप्शन सही है तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर पे इसको मार्क कर। जब भी बच्चे देंगे क्विज तो ये ऑटोमेटेड इवेलुएशन होगा, तो जब भी अगर किसी लड़के ने मुंशी प्रेमचंद देगा तो वो यहाँ पे इवेलुएट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जैसे मोर हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं इसको मोर देन वन टाइप बनाना है, मोर देन वन के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे करेंगे तो देखिए मोर देन वन आंसर एक्सेप्ट करेगा, चेक बॉक्सेस टाइप हो जाएंगे, तो आप कितने भी चाहें उतना। क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है आपके पास, जो आंसर दिख रहे हैं वो देखिए दो चीजें हैं, कि आप चाहते हैं कि ऑप्शन सफल हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है जब बच्चे क्या होता है कि चूंकि ये प्रॉपर तो होता नहीं है तो बच्चे चीटिंग भी करते हैं, तो हम उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को हम सफल कर दें। मान लीजिए बच्चे कोई और ऑप्शन देखें, दूसरे बच्चों को कोई और ऑप्शन देखें, ऑप्शन की जो ऑल्टरिंग वो चेंज है। यहाँ देखिए सफल ऑप्शन का ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन देखिए, अभी मैंने पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद को। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चों